हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम रिव्यू करेंगे डेप्सॉन टैबलेट का। क्या होता है डेप्सॉन टैबलेट? फ्रेंड्स, डेप्सॉन का नाम जब बताते हैं तो व्यक्ति सोचता है ये कोई स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल है, लाइक कोई स्टेरॉयड है, क्योंकि इसके लास्ट में लगा SONE, डेप्सॉन, जैसे डेक्सामेथासोन होता है, उस कंडीशन को लोग सोचते हैं कि ये एक स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल है। हालांकि जबकि ऐसा नहीं है, डेप्सॉन एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, स्पेशली फॉर एंटी लेप्रोटिक, एक लेप्रोसी डिसऑर्डर में एक प्रकार का ये स्किन इन्फेक्शन होता है, लेप्रोसी, तो उस कैटेगरी की ये दवा है, एंटीबायोटिक एज एंटी लेप्रोटिक कैटेगरी। भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इनिबिट करता है तो एज एंटीबायोटिक यूज होगा, और स्पेशली फॉर लेप्रोसी डिसऑर्डर एंटी लेप्रोटिक कैटेगरी का ये ड्रग होता है डेप्सॉन। इसको DDS के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? DDS, डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन डेरिवेटिव होता है, तो इसे DDS के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कॉज करता है लेप्रोसी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को स्किन में इन्फेक्शन होता है, एक कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं इसे, उंगलियाँ लटकने लगती हैं और स्किन में एक भयानक इन्फेक्शन हो जाता है, इसको लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, डेप्सॉन आपको मार्केट में ओनली फॉर टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। 50 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट्स आती हैं। तो ये लेप्रोसी डिसऑर्डर में डेप्सॉन का यूज किया जाता है, और कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शन में, लाइक डर्मेटाइटिस, कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो गया, लाइक एक डिसऑर्डर है कि टैक्सोप्लास्मोसिस डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ किया जाता है। टैक्सोप्लास्मोसिस एक प्रकार का मसल्स इन्फेक्शन ही होता है, इसमें मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन